सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार प्रभास की आज रिलीज हुई फिल्म साहो के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और इस फिल्म का दोस्तों हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं हॉलीवुड की बिगी फिल्म अवेंजर्स एंडगेम के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में अपने पहले दिन किस फिल्म ने मारी है बाजी और कौन सी फिल्म रही है नंबर वन पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म अवेंजर्स एंड गेम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि रिलीज किया गया था 26 अप्रैल को। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यह फिल्म इस साल रिलीज होने वाली एक मच अवेटेड फिल्म थी, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में मात्र 2900 स्क्रीन पर ही रिलीज किया गया था। हालांकि दोस्तों 2900 स्क्रीन पर लगने के बाद भी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और अपने पहले ही दिन इस फिल्म ने इंग्लिश भाषा में कमाए 29 करोड़ 10 लाख रुपए, हिंदी में कमाए 16 करोड़ रुपए, वहीं दोस्तों तमिल और तेलुगु में इस फिल्म ने कमाए थे लगभग 10 करोड़ रुपए। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो सिर्फ ऑल ओवर इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर रहा था 53 करोड़ 10 लाख रुपए का। ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे लगभग 61 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन रहा था लगभग 580 करोड़ रुपए का। बताया चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस सहित वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था, और दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की नंबर वन फिल्म बन गई थी। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते में कमाए थे 260 करोड़ रुपए, और इस फिल्म का जो इंडिया से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो रहा था लगभग 380 करोड़ रुपए का। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म 2019 में अभी तक की इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनी हुई है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम लोग साहो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताया चले दोस्तों आपको कि साहो को भी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े स्केल पर रिलीज किया गया है। दोस्तों बता दें आपको कि यह फिल्म 2019 की एक मच अवेटेड फिल्म थी, जिसका कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद सबसे ज्यादा इंतजार था। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 350 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है, और इस फिल्म को सिर्फ इंडिया से ही मिली है लगभग 8,500 स्क्रीन। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को सिर्फ हिंदी नॉर्थ इंडिया में ही लगभग 4,500 स्क्रीन मिली है। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की है, और इस फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सिर्फ हिंदी से रहा है लगभग 28 करोड़ रुपए का। तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म रीजनल मूवी है, इस कारण से दोस्तों तेलुगु में प्रभास की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग होने के कारण इस फिल्म ने अपने पहले दिन तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर कमाया है लगभग 65 करोड़ रुपए। वही दोस्तों तमिल में इस फिल्म ने कमाया है 12 करोड़ रुपए। वही बात करें रेस्ट ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों रेस्ट ऑफ इंडिया से इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाया है लगभग 22 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अपने पहले दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस रहा है लगभग 165 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने पहले दिन कमा चुकी है लगभग 205 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इंडिया की सेकंड बेस्ट ओपनर फिल्म साबित हुई है, और बाहुबली 2 के बाद दोस्तों इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड कमाई की है। बताए चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक्शन सीन्स और वीएफएक्स काफी दमदार है। अगर इन दोनों ही फिल्मों का कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म ने अपने पहले दिन मार ली है बॉक्स ऑफिस पर बाजी, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में काफी बड़े स्केल पर रिलीज किया गया था। वही दोस्तों अवेंजर्स एंड गेम को भी काफी पसंद किया गया था, और दोस्तों इस फिल्म का बज भी काफी शानदार था। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को स्क्रीन कम मिलने के कारण इस फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो रहा था लगभग 53 करोड़ रुपए का। इस तरह से दोस्तों प्रभास ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो हॉलीवुड की बड़ी फिल्म अवेंजर्स एंड गेम को हरा दिया है। आपके हिसाब से दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म का एक्शन सबसे बेस्ट है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।